खातेगांव तहसील के कांकरिया से बरदा के बीच करीबन 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जा रही है। शासन ने दोनों गांवों को जोड़ने के लिए करोड़ों रुपए प्रदान किए हैं। ग्रामीण शंकर सोंडा के आरोप लगाते हुए बताया कि सड़क में ठेकेदार और विभाग की मिलीभगत से भ्रष्टाचार और लापरवाही बरती जा रही है। सड़क के किनारे साइड भी नहीं भरी गई है। ठेकेदार आयुष द्वारा बिना रोलर चलाए ही DLC काम किया गया। उधर सीसी रोड का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें बालू रेती की जगह डस्ट चूरी मिलाई जा रही है। साइड शोल्डर भी नहीं भरे। पूर्व में रोड बनाया, उसमें आए दिन दुर्घटना हो रही है। इसकी शिकायत जिला कलेक्टर और 181 पर दर्ज कराई गई है। ग्रामीण ने बताया कि इस मामले में PWD SDO को अवगत कराया गया, लेकिन SDO उल्टा ही ग्रामीणों को डरा धमका रहे और कह रहे हैं तुम्हारा इलाज करवा दूंगा। अब देखना होगा कि खबर मीडिया में आने के बाद क्या कुछ कार्यवाही होती है या नहीं। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के SDO JS बारस्कर ने कहा कि काम मापदंड के अनुसार ही हो रहा है। मैं मौके पर गया था, उपयंत्री की देखरेख में यह काम हो रहा है। जब उनसे लागत का पूछा तो उन्होंने कहा कि इस मार्ग का कितना पैसा आया वह देख कर बताऊंगा। इस संबंध में उपयंत्री पारियोषित प्रजापति ने बताया कि बरदा से कांकरिया तक मार्ग 1,90,00,000 की लागत से 2.2 किलोमीटर डामर व 0.9 किलोमीटर कंक्रीट मार्ग बनाया जा रहा है। शोल्डर का काम सड़क निर्माण के बाद होगा। कन्नौज से कमल गर्ग, राही की रिपोर्ट। अब ऐसे ही चलेगा काम ठेकेदार द्वारा ये काम जो चल रहा है बिना रोड रोलर चला है। यहाँ पे DLC के बाद में रोलर चलना चाहिए, इसके पहले भी चलना चाहिए। चला है आप पे, आप मेरे पास प्रूफ है, कैमरे लगे गांव में, चेक करवा सकता हूँ। बता देना, अब बता देना, काम ऐसे ही चलेगा अभी? मापदंड के अनुसार चल रहा है? नहीं, मापदंड के अनुसार तो लोग रोलर भी चलना चाहिए था। तो चला है ना? कब चला है इसका कोई प्रूफ है? दे देंगे आपको, प्रूफ दे देंगे। अच्छा, क्या कार्रवाई करोगे आप ठेकेदार के ऊपर? कार्रवाई क्या करेंगे, मापदंड के अनुसार काम चल रहा है तो कोई कार्रवाई थोड़ी बनती है उसपे। नहीं तो उसका प्रूफ नहीं है ना आपके पास? नहीं है ठेकेदार के पास में? नहीं है यहाँ पे PWD का इंजीनियर मौजूद? नहीं है क्यों ग्रामीण जनों भाई, जो सब है क्या PWD का इंजीनियर कोई यहाँ 24 घंटे मौजूद होना चाहिए? है कहीं दादा, है क्यों भाई? कोई नहीं है ना इंजीनियर, जबकि यहाँ इंजीनियर होना चाहिए। एक गैजेट में 13 बोरी, छोटा गैजेट है ये 1.5 का, तो इसमें 13 बोरी सीमेंट डालना चाहिए। चलिए मैं करता हूँ इलाज, आप ऐसा नहीं। बिल्कुल कर दिए आप इलाज, कर दिए, मैं जेल भी जाने को तैयार हूँ, आप पुलिस बुला लीजिए। सपाटा कर रहे हो ना? बिल्कुल सपाटे वाली बात थोड़ी, कोई न्याय की बात करेगा तो आप बोल रहे हो कि सपाटा कर रहे हो। दादा चलो जरा अपन पंचायत में CC रोड, प्रधानमंत्री रोड का कार्य किया जा रहा है, तो इसमें करीब 3 किलोमीटर तो डामरीकरण का काम है और गांव में जो है 0.5 किलोमीटर CC रोड का निर्माण PWD द्वारा किया जा रहा है, जिसके ठेकेदार आयुष किराना स्टोर नाम से है। तो उनके द्वारा, ठेकेदार द्वारा इस रोड में भारी अनियमितता की जा रही है, क्योंकि DLC डलने के पहले रोड रोलर चलना था, वो भी नहीं चला। DLC होने के बाद में रोलर चलना था, रोलर भी तो इसमें SDO महोदय द्वारा ग्रामीणों को हमको धमकाया जा रहा है। बोले मैं आपको ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, और मनमाना भ्रष्टाचार हो रहा है। 100 की सीधी बात, इस रोड में इतना गमन हुआ है। मैंने RTI लगाकर सारी जानकारी भी एकत्रित की है, इसके लिए मैंने कलेक्टर महोदय को मेल के माध्यम से भी शिकायत की है और 181 CM हेल्पलाइन नंबर पे भी। SDO महोदय की मिलीभगत को लेकर तीनों को, इंजीनियर भी PWD का यहाँ कोई मौजूद नहीं है, जबकि इंजीनियर PWD का यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। तो इन सभी की मिलीभगत की शिकायत को लेकर मैं अभी शिकायत की है और आगे भी करूंगा, देखते हैं। डामर रोड के बाद में जो है 1.5 मीटर दोनों साइड शोल्डर 5-5 फीट भरे जाने थे, अभी पूर्व में भी 6 महीने हो गए हैं। सोसाइटी के पास भी CC रोड का निर्माण हुआ है, वो पहले हुआ था, उसमें भी अभी तक साइड शोल्डर नहीं भरे, जबकि ठेकेदार की बिलिंग हो गई है, उसका पेमेंट निकल गया, आए दिन लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। बुलारुक SDM महोदय खातेगांव को अवगत कराकर धरना आंदोलन करेंगे और मैं ये मांग करता हूँ आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि तुरंत ठेकेदार पर कार्रवाई की जाए और ये काम अभी रोका जाए। बताया जाता है कि ठेकेदार जहाँ भी काम करता है वहाँ इसी तरह चर्चा में रहता है, गमन किया जाता है इनके द्वारा, भारी भ्रष्टाचार होता है। अच्छा, किसी में आगे वहाँ डो भराता है, वो रोड बनने से वहाँ पाइप डालना था, कोटी डालना था, जगह छोड़ दी उसने लोगों ने, पानी किधर निकास था, किधर हेड़ दिया पानी है,
यह हुआ रोड में। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल